Hello everyone, today is my singing competition in my school and I'm going to sing Let It Go from Frozen 1. So this is my outfit, wish me luck, bye bye. Oh my god, Anaya! It's lovely! It's already raining stuff. Here! I must want it. Look. It's raining. It's 6:30. You small baby. So 6:30 ho raha hai aur bilkul andhera ho chuka hai. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसे ही सेड अभी 6:30 हुआ है और बिल्कुल ऐसे काली घटा क्लाउड्स, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, 4 बजे तो काफ़ी तेज़ हुई थी तो थोड़ा ठंडा भी हो गया है. बस अनाया को अभी बैडमिंटन से लेके आई हूँ, अब उनकी योगा क्लास चल रही है. देखें अभी तो हल्की थी, अब हो गई है बिल्कुल तेज से बारिश स्टार्ट. यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं, मैंने ये फिश टैंक यहाँ पे रख दिया है ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पर ऐसे. मैथ्स क्लास है, मैथ्स क्लास, यस 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 यस. सो नीचे तो जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ बारिश, तो हमने फिर सोचा घर पे ही वॉक कर लेते हैं. ये अच्छा सा एरिया मिल जाता है किचन से लेके मेन डोर तक. एंड होगी नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर हो रही है अनियन ब्राउन क्योंकि आज मटन बिरयानी के ऑर्डर्स हैं. सो मैंने सोचा बकरीद भी आने वाली हो, क्यों ना आप लोगों के साथ मटन हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी शेयर की जाए. सो 2 kg मटन है, इसमें मैंने अराउंड 750 ग्राम कर्ड ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर हम मटन को मैरिनेट करेंगे. इसमें ऐड करूँगी मैं 4 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड इसके बाद ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली, नॉर्मल रेड चिली, 4 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी एंड सॉल्ट. सारे ही इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर मैं 2 kg की मटन बिरयानी बना रही हूँ, लाइक 2 kg मटन एंड 2 kg राइस. सो 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट करके रख देंगे. हेलो, हेलो एवरीवन. सो हो गई है सैटरडे एंड अभी बज रहे हैं अराउंड आई थिंक 1:30. मटन मैरिनेट हो गया है और क्योंकि बकरीद भी आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना ये बकरीद स्पेशल मटन बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए. आज ऑर्डर है जैसे कि मटन बिरयानी का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं. तो बस अनियन ब्राउन हो गई है, मटन मैरिनेट हो गया है, अब हम सबसे पहले मटन को कुक करते हैं. सो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, थोड़े से खड़े मसाले लाइक सिनेमन स्टिक, लॉन्ग इलायची, बे लीफ एंड ब्राउन अनियन. देखिए मॉर्निंग में मैं जब तक बाकी काम हो रहे थे ब्रेकफास्ट एंड ऑल, मैंने अनियन ब्राउन कर ली तो टाइम सेविंग रहता है. आप देखिए डायरेक्टली आप ब्राउन अनियन ऐड कर दें ऑयल में, जस्ट सौते करें तो बहुत अच्छे से टाइम भी आपका बच जाता है और जल्दी काम हो जाता है. तो अक्सर बिरयानी में जब मुझे ज़्यादा बनानी होती बल्क में तो ब्राउन अनियन मैं चलते फिरते लाइक रख देती हूँ कि वो ब्राउन होती रहे. एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड मटन. चिकन की बिरयानी में एक्चुअली ज़्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं और बनती है, आज ये मटन हैदराबादी का ऑर्डर है. एनीवे सो हमने इसमें ऐड कर दिया है मटन. मुझे लग रहा था शायद 2 बैच में बनाना पड़े बट 2 kg आ गया कुकर में. देखिए
सो अच्छे से इसमें सारा मिक्स कर दिया है मैंने विद ब्राउन अनियन एंड खड़े मसाले, और कुछ नहीं डालना बिकॉज मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन में ऑलरेडी डाल दिए थे, तो आपको कुछ नहीं डालना। तो है ना बहुत सिंपल एंड ईजी सा लाइक ट्रिक कि आपको जस्ट मैरिनेट कर देना और फिर ब्राउन अनियन के साथ इसे कुक कर लेना है। सो प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि मटन अच्छे से कुक ना हो जाए। और देखें यहाँ पर अनाया हेल्प कर, थैंक यू। शाहनवाज नहीं है, भाई ने मॉर्निंग में काफी हेल्प की फिर वो ऑफिस चला गया। ओ वाओ, बट अनाया ने काफी मदद कर ली। दिखाओ देखिए अनाया की ट्रिक, सी अनाया की ट्रिक। अनाया ने डाला इसे होल में एंड वाओ गुड, हो गया ना। चलो जल्दी से ये भी काटो। देखिए ये सबसे बड़ा काम होता है मिंट लीव को क्लीन करना जो अनाया ने कर दिया। एंड मीनवाइल मैंने कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज भी कट कर ली और मटन यहाँ पर कुक हो गया है। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी सो दैट इसे भूनने में आसानी हो। थोड़ी सी मैंने इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स डाल दी है। इसे हम अच्छे से थोड़ा सा हाई फ्लेम पर भून लेंगे। और इधर मैंने पानी चढ़ा दिया है राइस के लिए। ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी लौंग, सिनेमन स्टिक एंड बे लीफ, थोड़ा सा कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स। एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस ज़रूर डालें, इससे आपके राइस काफ़ी अच्छे से खिले खिले से रहते हैं। एंड राइस भी लाइक इट शुड बी बासमती राइस, तो अच्छा राइस ही यूज़ करें बिरयानी में, तो आपके चावल अच्छे से खिले खिले रहेंगे। सॉल्ट ऐड किया मैंने अराउंड 8 टीस्पून, थोड़ा सा खुला खुला ही रहता है बिकॉज अभी ये स्ट्रेन हो जाएगा जब राइस बॉयल होंगे। तो इसे हम बॉयल होने देंगे। और इधर देखें मटन भी रेडी हो गया है। राइस मैंने आधा घंटा पहले सोक कर दिए थे, 2 kg राइस है यहाँ पर। और देखिए पानी बॉयल हो गया, मैंने उसमें राइस डाल दिए हैं। सो राइस कुक हो गए हैं 80%, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें 80% ही कुक करना, अगर आप और ज़्यादा कुक कर लेंगे तो राइस टूट जाएगा बिरयानी में। सो 80% ही कुक करें, लाइक 4 to 5 जो उसमें दाने रहते हैं वो रहें। नाउ टाइम फॉर लेयरिंग, थोड़ा सा मसाला बॉटम में एंड फिर उसके बाद हम एक लेयर लगाएंगे राइस की। एंड इसके बाद डालेंगे बिरयानी कलर, ब्राउन अनियंस, कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स, थोड़ी सी स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जितना भी तीखा रखना है। एंड देन फिर मटन कौरमा जो हमने बनाया था। एंड उसके बाद अगेन नेक्स्ट लेयर। सो देखिए राइस बिल्कुल अलग अलग खिला खिला है क्योंकि इसमें अभी 4 से 5 कनी जिसको हम बोलते हैं वो है। बहुत ओवर कुक हो जाएगा तो फिर राइस टूट जाएगा बिरयानी में। सो सेम तरह से लेयरिंग जो है वो हम रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स लगाई हैं मटन एंड राइस की। थोड़ा सा मेल्टेड घी डालेंगे ऊपर से, नीचे नहीं डालेंगे अदरवाइज़ वो नीचे चला जाएगा। हमेशा घी या ऑयल जब भी डालें बिरयानी में तो वो सेकेंड लेयर से डालें एंड देन फिर टॉप लेयर में, सो दैट वो आराम से नीचे जाए और फिर नीचे के राइस में भी अच्छे से फैल जाए। सो ये देखिए लेयरिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम दम करेंगे 5 मिनट तेज आंच पे करेंगे हाई फ्लेम पे एंड देन अराउंड 20 मिनट लो फ्लेम पे। सो बिरयानी रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने पैकिंग भी कर दी है जहाँ पे मुझे भेजना है, पिकअप अभी थोड़ी देर में होगा। सो है ना बहुत ही अमेजिंग एंड डेलिशियस मटन हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। तो डू ट्राई इन दिस बकरा ईद।
मच नीडेड ग्रीन टी। सो बस सब कुछ हो गया, किचन वगैरह भी समेट लिया है, बिरयानी पैक होके डिलीवर हो गई है, पिकअप हो चुका है। सो ये था व्लॉग एंड बकरीद स्पेशल मटन बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग बनी थी, बहुत ही अच्छी। एंड मैंने और अनाया ने तो खा भी लिया। अनाया मैडम आ गई है, ठीक, जस्ट डू इसी तरह दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू सून।